हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा और आज के सेशन में बात करेंगे हम कि डेटा कैसे सर्च होता है, डेटा कैसे स्कैन होता है SQL सर्वर में। इसके तीन मेथड्स होते हैं जिसको हम टेबल स्कैन, इंडेक्स स्कैन और इंडेक्स सीक कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप डेटा को आप कोई क्वेरी को फायर करते हैं डेटा को फैच करने के लिए, तब इसमें से कौन सा मेथड आपका अप्लाई होता है। तो कुछ सिनेरियोस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जब आप क्वेरी फायर करते हैं तो ऑप्टिमाइजर ये चेक करता है कि कौन सा इंडेक्स आपकी टेबल के ऊपर आपका अप्लाइड है। सेकेंडली, जिस कॉलम को आप यूज़ कर रहे हैं क्वेरी के अंदर यानी कि वेयर क्लॉज में, क्या उसके ऊपर कोई इंडेक्स है। जॉइन, आप जॉइन में मल्टीपल टेबल्स यूज कर रहे हैं तो ऑप्टिमाइजर चेक करेगा कि किस किस टेबल के ऊपर कौन सा इंडेक्स आपका ऑलरेडी अप्लाइड है। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका साइज ऑफ टेबल। अगर साइज आपका टेबल का साइज आपका बहुत छोटा है तो जनरली आपका टेबल स्कैन्स यूज होता है। अदरवाइज अगर साइज आपका टेबल का बहुत बड़ा है तो उस केस में या तो आपका इंडेक्स यूज होगा या आपका इंडेक्स सीक यूज होगा। अब तीनों मेथड्स, टेबल स्कैन, इंडेक्स स्कैन और इंडेक्स सी, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के साथ। अब तीनों मेथड को डिस्कस करने से पहले हमारे दो टर्म हैं फिजिकल एंड लॉजिकल रीड, इनको चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा फिजिकल रीड होता है यानी कि आप क्वेरी फायर करते हैं तो उस केस में डेटा आपका डायरेक्ट डेटाबेस से आता है। और लॉजिकल रीड क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम आपका क्वेरी फायर होती है तो वो डेटा को ला करके कैश में रख देता है और उसके बाद जो कॉल होती हैं वो सारी कैश से आती हैं। अगर आपकी सेम क्वेरी है तो कैश से आती है, तो जो जो डेटा कैश से आता है उसको बोलते हैं हम लॉजिकल रीड। और सबसे पहले टेबल स्कैन, ये क्या होता है इसको चेक करते हैं। टेबल स्कैन का मतलब होता है कि आपका पूरी टेबल को, होल टेबल के डेटा को यानी इनकी रो को स्कैन करना। इसकी क्या कंडीशन है? कंडीशन ये होती है कि अगर आपका टेबल का साइज बहुत छोटा है, से आपका 20, 50 या 100 रिकॉर्ड्स, तो उस केस में टेबल स्कैन अप्लाई होता है। और सेकंड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टेबल के ऊपर कोई भी इंडेक्स नहीं है, जैसे कि आप दोनों पॉइंट चेक कर सकते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेरी में एक क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल टू दिस। इस केस में क्या होगा, यहाँ पूरी टेबल को स्कैन करेगा यानी कि आईडी नंबर 101 से लेकर के आपकी लास्ट आईडी तक वो स्कैन करेगा, हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को स्कैन करेगा और जहाँ जहाँ उसको मैचिंग मिलेगी वो रिकॉर्ड सेट में ऐड करता जाएगा। तो जैसे कि हम 101 को सर्च कर रहे हैं तो यानी कि पहला रिकॉर्ड आपको मिला और उसने रिकॉर्ड सेट में, उसके बाद आपका सेकंड पे गया इसको स्किप कर देगा, थर्ड पे गया, फोर्थ उसको फिर मैचिंग आ गया आईडी, फिर आपका रिकॉर्ड सेट में कर देगा और लास्ट रिकॉर्ड तक यानी कि जितना भी आपका रिकॉर्ड्स हैं सबको स्कैन करेगा। तो इसको बोलते हैं टेबल स्कैन। और अब टेबल स्कैन का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल है जिसका नाम है टेस्ट। अगर हम डेटा चेक करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर केवल 7 रिकॉर्ड्स हैं और मैंने सेट स्टैटिस्टिक्स आईओ इनपुट आउटपुट इसको ऑन कर दिया है ताकि हम लॉजिकल रीड्स और फिजिकल रीड्स को काउंट को चेक कर सकें। अब सपोज मैंने यहाँ पर कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, अगर मैं इसको फिर से फायर करता हूँ और मैं चेक करता हूँ मैसेज के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेबल का नाम है टेस्ट, स्कैन काउंट 1 और लॉजिकल रीड आपका है 1, फिजिकल रीड आपका 0, क्योंकि आपका डेटा इतना कम है कि उसने कैश में इसको रख करके आपका वहां से रीड किया और आपका एक ही रीड में सारा डेटा आ गया लॉजिकल रीड। सपोज मैं अगर यहां पर कंडीशन लगा देता हूं वेयर आईडी इक्वल टू 101 देन, कोई फर्क पड़ेगा? नो। रीजन, आपका जो टेबल का साइज है, डेटा का साइज है, वो बहुत स्मॉल है। अब सपोज हमें ये चेक करना था कि इस टेबल के ऊपर कोई इंडेक्स है या नहीं है, तो उसके लिए आप
जैसे कि मैंने बताया था कि टेबल स्कैन के केस में आपका टेबल के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं होता है, तो उसके लिए आप चेक यूज कर सकते हैं, एक सिस्टम प्रोसीजर सिस्टम फंक्शन यूज कर सकते हैं। SP help index, then table का नाम test। अगर मैं इसको execute करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे last में आ रहा है the object test does not have any indexes, यानी कि इस table के ऊपर कोई भी index नहीं है। अब हम इस table का जो हमने query fire की है उसका execution plan check करते हैं। फिर से हम check करते हैं execute देन कंट्रोल एल, कंट्रोल एल में आपका एग्जीक्यूशन प्लान आपको शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ टेबल स्कैन, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ टेबल स्कैन जिसका कॉस्ट है 100%। यानी कि इस क्वेरी में, इस फैच मेथड के अंदर सिस्टम ने हमारा टेबल स्कैन मेथड्स को अप्लाई किया है, क्योंकि ना तो इसमें कोई इंडेक्स है और टेबल का साइज भी आपका बहुत छोटा। और अब इंडेक्स स्कैन और इंडेक्स सीक को प्रैक्टिकल के साथ चेक करते हैं। अब हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है टेस्ट टू, इसके अंदर हम रिकॉर्ड काउंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर करीब आप हमारे 8 लाख रिकॉर्ड्स, यानी 800,000 हमारे पास इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं। इसमें क्वेरी फायर करते हैं, क्वेरी में देखेंगे कि आपका हमारे पास दो कॉलम्स हैं आईडी और एफनेम। उसके बाद मैं चेक करता हूं कि क्या इसमें कोई, इस टेबल पर कोई इंडेक्स है। एसपी इंडेक्स हेल्प की से तो आप देख सकते हैं यहां पर द ऑब्जेक्ट टेस्ट टू डज नॉट हैव एनी इंडेक्स, यानी इस टेबल के आपका डेटा तो बड़ा है लेकिन कोई इंडेक्स नहीं है। अब मैं इसको फायर करता हूं क्वेरी, देन सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं स्टैटिस्टिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैन काउंट 2 और लॉजिकल रीड्स आपका 2961, फिजिकल रीड आपका 0, यानी कि डेटा सारा कैश से आया है। 296 का मतलब ये कि आपका जो डेटा है वो ब्लॉक्स में आपका डिवाइड कर देता है, यानी कि उसने आपका 8 लाख रिकॉर्ड को एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो उसने क्या हुआ, इतने ब्लॉक्स को उसने रीड किया, जिसको हम डेटा पेजेस भी कहते हैं। अब सपोज इसी का मैं वो चेक करता हूँ एग्जीक्यूशन प्लान, कंट्रोल एल, तो आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में अभी भी आपका टेबल स्कैन आपका यूज कर रहा है। रीजन क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इंडेक्स नहीं है। हमारी दो कंडीशन थी कि टेबल का साइज आपका छोटा होना चाहिए और आपका टेबल के ऊपर कोई भी इंडेक्स नहीं होना चाहिए, उस केस में टेबल स्कैन यूज होता है। यहाँ पर भी टेबल का साइज बड़ा है लेकिन इंडेक्स नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो टेबल स्कैन को यूज कर रहा है। और सेकेंडली आप ऑब्जर्व करेंगे, जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे नीचे क्वेरी आपका यहाँ पर कुछ टाइम ले रहा है। रीजन क्योंकि वो आपका एक एक करके सारे रिकॉर्ड को रीड करता जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इस टेबल के ऊपर एक इंडेक्स क्रिएट कर देता हूं टेस्ट टू के ऊपर। यहां पर एक क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन टेस्ट, टेस्ट टेबल अंदर आईडी कॉलम ऑफ दिस टेबल, सो मैं इसको क्रिएट कर देता हूं। इंडेक्स आपका क्रिएट हो गया। अब चेक करते हैं फिर से क्या इंडेक्स आपका इस पर टेबल पर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा है कि इस टेबल के ऊपर ये इंडेक्स है जिसका नाम है आपका एक्स पार्स आईडी और ये आपका क्लस्टर इंडेक्स है। सो अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इसको और अब चेक करते हैं आपका मैसेज के अंदर लॉजिकल रीड, लॉजिकल रीड आपके सेम है लेकिन अब इसका एग्जीक्यूशन प्लान चेंज करते हैं, चेक करते हैं कंट्रोल एल, और आप देखेंगे आप यहां पर ये यूज कर रहा है क्लस्टर इंडेक्स स्कैन। यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट में
क्योंकि सिस्टम चेक करता है या आपका ऑप्टिमाइजर चेक करता है अगर टेबल के ऊपर कोई इंडेक्स लगा हुआ है तो वो उस इंडेक्स को यूज करता है। और इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर अभी भी वो पूरे डेटा पेजेस को स्कैन कर रहा है। तो ये होता हमारा इंडेक्स स्कैन। अब सपोज अगर मैं इंडेक्स सीक मुझे यूज करना है, मैं यहां पर कंडीशन लगा देता हूं टेस्ट टू वेयर आईडी इक्वल टू 799999। देन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और फिर से मैं एग्जीक्यूशन प्लान चेक करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर आपका अब आ रहा है क्लस्टर इंडेक्स सीक। यानी कि जब आप कोई कंडीशन लगाते हैं इसका मतलब ये है कि आप अपने रिजल्ट को नैरो कर रहे हैं, यानी रिजल्ट को फिल्टर कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आपने उस कॉलम पर इंडेक्स अप्लाई किया हुआ है और उस पर सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर इंडेक्स सीक आपका यूज़ होगा। यही डिफरेंस है आपका इंडेक्स स्कैन और इंडेक्स सीक। अब इंडेक्स स्कैन को हम एक डायग्राम समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन में, अगर आप हैविंग या कोई क्लॉज यूज नहीं कर रहे हैं, वेयर यूज नहीं कर रहे हैं और आपने क्लस्टर इंडेक्स को अप्लाई किया हुआ है तो उस केस में इंडेक्स स्कैन मेथड यूज होता है। जैसे कि आप क्वेरी में देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पर कोई भी वेयर क्लॉज नहीं है। सेकेंडली आप डायग्राम में आप देख सकते हैं काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेरी है और यहाँ पर जो आपने इंडेक्स क्रिएट किया तो आपका इंडेक्स के थ्रू वो आपका जो डेटा है वो आपका पेजेस में डिवाइड होता है। टॉप पर आपका रूट नोट होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट जिसमें आपका रेफरेंसेस होते हैं पेजेस के, और आपका लीफ नोट। लीफ नोट में एक्चुअल में आपका एक्चुअल डेटा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब अपने आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई कोई भी टेबल हो तो यहाँ पर वो सारे पेजेस को रीड करेगा एक एक करके। जैसे कि आपका फर्स्ट पेज में डेटा हमारा 1 से लेकर 4 तक है, सेकेंड पेज में डेटा हमारा 5 से लेकर 8 तक है और थर्ड पेज में डेटा आपका 9 से लेकर 12 तक है। तो इस केस में कोई भी फिल्टर नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट पेज को रीड करेगा, सेकंड पेज को रीड करेगा, थर्ड पेज को रीड करेगा, जितने भी पेजेस बने हैं सबको वो रीड करेगा। तो इसको कहते हैं इंडेक्स स्कैन। इसी तरह से अगर हम जब सीक की बात करते हैं तो सीक में क्या होता है कि जब हम कोई क्राइटेरिया देते हैं या वेयर कंडीशन देते हैं तो वो आपका सीक का यूज करता है। जैसे कि आप क्वेरी में देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 12, कुछ भी हो सकता है। अब आप डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट नोड में आपका यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक उसने पेज को क्रिएट किया हुआ इंटरनली और आप सर्च कर रहे हैं 12 को। तो 12 के केस में क्या होगा, आपका फर्स्ट जो इंटरमीडिएट नोड है उसमें आपके 2 पेज का रेफरेंस है, वो सर्च करेगा 12 को, क्या 12 इसके अंदर है, नहीं है क्या, तो इसका मतलब है इसकी में जो रेफरेंस पेज है वो आपको सबको स्किप कर देगा पूरे इस पार्ट को। यहाँ पर चेक करेगा क्या 12 आपका इसके इस रेंज में है, हाँ है, तो वो क्या करेगा कि डायरेक्ट इस पेज पर जाएगा और इस पेज से आपका यहाँ स्कैन करते हुए आपका 12 को डेटा को रीड कर लेगा। तो इस तरह से वो आपका सीक के अंदर क्या करता है, डायरेक्ट आपका उसी डेटा पर जाता है जहाँ पर आपका आपको फाइंड करना है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर एक पॉइंटर लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में रो के रेफरेंस होते हैं जो कि ये रेफरेंस आपके इंटरमीडिएट पेज के अंदर स्टोर होते हैं, यहीं से आपका डेटा डायरेक्ट आपका सर्च होता है। तो ये डिफरेंस है आपका सीक और इंडेक्स सीक और इंडेक्स स्कैन के अंदर। इंडेक्स सीक आपका बहुत फास्ट होता है कंपैरेटिवली आपके इंडेक्स स्कैन। अब टेबल स्कैन, इंडेक्स स्कैन और इंडेक्स सीक में कुछ डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स हम देख सकते हैं। अगर आपको डेटा जो टेबल का डेटा है 90 to 100% तक लाना है तो उस केस में आप इंडेक्स स्कैन यूज कर सकते हैं या आपका टेबल स्कैन यूज कर सकते हैं। लेकिन डेटा आपको बहुत ही सेलेक्टेड या लिमिटेड लाना है तो आपको इंडेक्स सीक यूज करना चाहिए क्योंकि इंडेक्स सीक आपका फास्ट होता है। सेकंड पॉइंट में ये कि अगर आपने क्लस्टर इंडेक्स यूज किया हुआ है टेबल के ऊपर तो आपका इंडेक्स स्कैन यूज होगा, अगर आपने कोई भी इंडेक्स नहीं लगा रखा है तो आपका टेबल स्कैन यूज होगा। और नेक्स्ट पॉइंट में आपका है कि इंडेक्स स्कैन जो है आपका टेबल स्कैन से फास्टर होता है और आपका इंडेक्स सीक इंडेक्स स्कैन से faster होता। So guys, this was all about the table scan, index scan and the index seek. I hope you understood everything. Thanks for watching the video.